Welcome back to BIMP YouTube channel. Today's last topic of this unit is sparse matrix. Sparse matrix kya hota hai? Sparse matrix ke bare mein hum abhi janenge aur sparse matrix ka representation kaise hota hai arrays aur matrices ke help se. Aaj hum is bare mein padhenge. A matrix is a two dimensional data object made of m rows and n columns. Matrix kya hai? Koi bhi two dimensional data object hai. जिसमें m नंबर तो रोज आती है और n नंबर कॉलम्स के therefore having total m by n values. टोटल वैल्यूज इसकी क्यों जाती है फिर m by n. मैट्रिक्स मैट्रिक्स आप सबको पता ही है क्या होता है. मैट्रिक्स एक टू डायमेंशनल डेटा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें m तो नंबर ऑफ रोज होती है और n नंबर ऑफ कॉलम्स और टोटल वैल्यूज इसकी क्या होती है m by n values. ओके इफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैव जीरो वैल्यू देन इट इज कॉल्ड अ स्पार्स मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स में ज्यादातर वैल्यू जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स. एग्जाम्पल वाई जो पहले हम जानते थे और जीरो वैल्यू से मोस्टली इसके लिए ऐसे नहीं हो सकता है कि मैंने यहां पर है सपोज ए वन वन यहां पर है A12, A21, A31, A32, A33, A21, 000. या सपोज जीरो का जीरो है तो ये क्या आएगा स्पार्स मैट्रिक्स. मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें ज्यादातर वैल्यूज कितनी होती है जीरो होती है उसे हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स. अब स्पार्स मैट्रिक्स को क्यों यूज करना चाहिए हमें सिंपल मैट्रिक्स के कंपैरिजन में इसके बारे में हम जान लेते हैं. स्टोरेज देयर आर लेसर नॉन जीरो एलिमेंट्स देन जीरोस एंड दस लेसर मेमोरी कैन बी यूज टू स्टोर ओनली दोज एलिमेंट्स. यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स तो कम होते हैं ठीक है और जीरो ज्यादा होते हैं राइट सो क्या होगा जितने कम वैल्यूज होंगे उतनी कम मेमोरी यूज होगी स्टोरेज के लिए. सेकेंड इसका बेनिफिट है कि कंप्यूटिंग टाइम. कंप्यूटिंग टाइम कैन बी सेव बाय लॉजिकली डिजाइनिंग अ डेटा स्ट्रक्चर ट्रैवर्सिंग ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स. कंप्यूटिंग टाइम की हम सेविंग कर सकते हैं किस तरह से अगर हम लॉजिकली डिजाइन करते डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करके उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स. एग्जाम्पल हो गया इसका ये स्पार्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ डिस्क्रीट स्पार्स मैट्रिक्स है. क्यों इसको मैं आपको रीति बता दूंगी कि आपके बारे में जैसे एक बार ज्यादा है इसलिए स्टोरेज क्या करेगा
instead of storing zeros with non-zero elements, we only store non-zero elements. This means storing non-zero elements with triples, row, column, value. यही रीजन है कि हम जीरोस को ना स्टोर करने के बजाय हम नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर कर लेंगे इस फॉर्मेट में कि पहले आएगी रो, फिर कॉलम, फिर उसकी वैल्यू, राइट. स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन इन मेनी फॉलोइंग वेज. फॉलोइंग आर टू कॉमन रिप्रेजेंटेशन. जो स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है उन्हें हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो रिप्रेजेंटेशन का से प्रोग्राम बनेगा पावर वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी. एक तो इसका होगा एरे, एरे की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंडली हम इसे मेन बेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, लेंथ लिस्ट क्या होती है हमें आपको एक यूनिट है प्रॉपर उसमें कवर कराऊंगी. बस अभी एरे तो आपको पता है तो आप इतना जान लीजिए कि स्पार्स मैट्रिक्स को हम एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. अब आगे बढ़ते हैं, एक न्यू टॉपिक है तो इसका लास्ट ही समझ लीजिए. एक दो लेक्चर के लिए यूनिट खत्म है. ये लोअर ट्रायंगल है और
अपर ट्रायंगल. सपोज कोई मैंने इनपुट दिया मैट्रिक्स 3x3 साइज का, 3x3 साइज का, जिसकी वैल्यूज ये है. तो आउटपुट में हमें निकालना है कि लोअर वैल्यूज ट्रायंगल मैट्रिक्स निकालो, इसका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स निकालो. कैसे निकालेंगे? स्टैक होता है आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो
फॉलो करता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं। मतलब ऑर्डर यानी बीफ हो सकता है कि लास्ट आएगा पहले जाएगा, या फिर फील हो सकता है फर्स्ट इन लास्ट आओ। अभी आज के लिए आपको इतना सिर्फ बहुत एक किसी लाइन बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टैक को कम्प्लीटली स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप रिवाइज करके रखना और वीडियो को एंटर करना, ईयरफोन यूज करना है आपको। टिल देन